बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर्सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। मसरूफियत का दौर है, शाम को बारबेक्यू बनाएं और अपनी फैमिली के साथ जरूर बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे बड़े पीस हैं चिकन के, इनको मसाला लगाएंगे, इनको भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। गहरे कट लगाए हुए हैं, मसाला जो है जो कट लगे हुए हैं उनमें अच्छी तरह लगा लें। मसाला लग गया है और यहाँ पे थोड़े से चिकन को हम मलाई लगा लेंगे। अब आ गई बारी जी सीख कबाब की। कीमा ले लिया, और सीख कबाब जो हैं अक्सर टूट जाते हैं, उनकी वजह एक ही होती है, चर्बी का कम होना। 20 से 30 फीसद जो है वो चर्बी लाजमी होनी चाहिए। अगर गोश्त आप 1 किलो ले रहे हैं, 1 किलो में 700 ग्राम या 800 ग्राम गोश्त हो और 300 ग्राम या 200 ग्राम चर्बी हो, फिर कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक जो है इनको मशीन में चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, और इनमें से पानी जो है वो निकाल लेना। नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी चीज़ों को मसाला लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली टाइम आ चुका है जी सलाखें तैयार करने का। जैसे जैसे सलाखें तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे ही इधर रखते जाएंगे कोयलों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव में इस टाइम जो है बिल्कुल सुकून होता है, कोई शोर नहीं किसी किस्म का, कोई आवाज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, नहीं तो गर्मी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग ऑयल लगाएंगे। हवा जो है ना वो पंखे का काम कर रही है जो बारबेक्यू पे चलाते हैं। थोड़ा हाथों को कुकिंग ऑयल लगा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइडें पलटते जाना है चिकन की और कबाबों की। साइड पे भी कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, चूल्हे के नज़दीक हूँ तो प्यास भी बहुत लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें कबाबों पे भी कितना प्यारा रंग आ चुका है और यहाँ पे टिक्के भी तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कबाब भी देखें कितने मज़े के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बारी है चिकन के जो बड़े पीस हैं उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हल्की आंच पे ये पीस जो हैं चिकन के ये तैयार होंगे।
कबाबों वाला थोड़ा कीमा पड़ा हुआ है, इसके ग्रिल्ड कबाब बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सलाखों पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि कबाब जो है ये वाला चिपके नहीं। कबाब पे भी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जान को कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे साथ साथ चिकन तैयार होता जाएगा, ये वाले पीस यहाँ पे कुक होते रहेंगे और यहाँ पे हम साथ में गर्मा गर्म खाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुदस्सर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त लाजवाब, ज़बरदस्त नहीं लाजवाब, उम्दा। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जब कुक हो रही हो ना सामने चीज़ कोई, फिर और भी ज़्यादा लग जाती है। वो खाने की जो खुशबू है वो भूख को बढ़ा देती है। ऐसे ही है। हाँ जी अबू जी, और जिंदाबाद मुअशर, मज़ा ही आ गई यार। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्लाह की सआदत जो है वो नसीब फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।